हेलो फ्रेंड्स, मैं हीशु अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल लेट्स डू समथिंग न्यू में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूं ये बहुत ही यूनिक गिफ्ट बॉक्स। ये देखिए, इसको एक कॉर्नर पे मैंने फैंसी फोल्ड दिया है, स्क्वायर बॉक्स है, बनाना बहुत ही ईजी है। इसको मैंने डेकोरेट किया है अपनी हैंडमेड पैटर्न पेपर से। ये पैटर्न पेपर घर पर आप कैसे बना सकते हैं इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसको। लेकिन इससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हिट द बेल आइकन, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन पहुंचे सबसे पहले आप तक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं, ये घर पर पड़े ही सामान है मेरे पास। लॉकडाउन चल रहा है तो ज़रूरी है हमारे पास सामान घर पर पड़ा हो। ये शीट है, बेस कलर कोई भी लीजिए, सीजर, ग्लू, पेंसिल, कोई भी ब्लंट टूल जिससे आप स्कोरिंग कर सकें, कोई रिबन इसको बांधने के लिए, और कोई पैटर्न पेपर, स्केल और पैटर्न पेपर। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसे। इसके लिए हमने जो शीट ली है वो है 29.5 सेंटीमीटर बाय 22.5 सेंटीमीटर की। 29.5 सेंटीमीटर वाली शीट को हम डिवाइड करेंगे 7, 14, 21 और 28 में इक्वली डिवाइड कर लेंगे ऊपर और नीचे। दूसरी साइड है हमारे पास 22.5 सेंटीमीटर, इसको भी हम 7, 14 एंड 21 सेंटीमीटर पर ऊपर और नीचे मार्क कर लेंगे। अब हम इन सारी मार्किंग को मिला लेंगे। मैंने इसको पेंसिल से नहीं बल्कि एक ब्लंट टूल से या खाली पेन से आप मिला लीजिए जिसमें रिफिल ना हो। सारी स्कोरिंग हमें इनकी करनी है, जितने भी हमने मार्क्स लगाए थे उन सभी को आपस में ज्वाइन कर देना है। ये देखिए, अब सारे जितने भी हमारी क्रीजेज हैं उनको अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। हमारी फोल्ड होके रेडी है शीट। तो चलिए इसमें कुछ कट्स करते हैं ताकि इसको एक बॉक्स का शेप दे सके हम। सबसे पहले हम ये नीचे वाला जो एक्स्ट्रा पार्ट हमने लिया था फोल्ड करने के लिए बॉक्स को, उसका ऊपर और नीचे का पार्ट हटा देंगे और जो खाली बीच वाला हमारा स्क्वायर है वहां तक इसको रहने देंगे, क्योंकि हमें यहीं से इसको फोल्ड करते हुए बॉक्स का शेप देना है। अब हम बनाते हैं इसका फ्लैप। इसका फ्लैप बनाने के लिए हमें इसकी फर्स्ट टैब में से हाफ पार्ट इसका कट कर देना है। दूसरा फ्लैप जो है इसका पूरा रहेगा, उसको हम बिल्कुल भी नहीं काटेंगे। तीसरा फ्लैप भी हाफ रहेगा और फोर्थ को हम पूरा काट देंगे। ये फोर्थ वाला फ्लैप हम पूरा निकाल देंगे, इसमें से पूरा स्क्वायर निकल जाएगा। और थर्ड वाला स्क्वायर जो था पहले वाले स्क्वायर जितना, हाफ काट लेंगे हम उसको। थोड़ा थोड़ा हम साइडों से इनको कट दे देंगे ताकि जब हम अपना बॉक्स बंद करें तो ये काफी नीटली बंद हो, बाहर कोई भी पोर्शन इसका दिखाई ना दे। ये देखिए इस तरह से। अब हमें नीचे वाले भी दो टैब्स को काटना है, एक सेंटीमीटर ऊपर छोड़ते हुए उसको हम दो टैब्स को काट देंगे, पूरा पूरा ऊपर से एक सेंटीमीटर छोड़ के काटना है, ताकि जब हम नीचे से बंद करें तो हमारे पास बंद करने लायक कुछ एरिया हमारे पास हो। इसको भी हम साइडों से थोड़ा थोड़ा काट के क्लीन कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से। अब हमारे पास ये चार स्क्वायर बचे हुए हैं, हमें इसके सेंटर पॉइंट से कुछ मार्किंग करनी है। ये बिल्कुल इसका सेंटर पॉइंट है, ये देखिए। अब इसको हम चारों तरफ से हमें मार्क करना है। पहला मार्क हम लगाएंगे एक इंच पर, दूसरा 1.5 इंच पर। तो चारों तरफ हमें इसी तरह मार्क करनी है, 1 इंच पर और 1.5 इंच पर। ये देखिए, अब इनको हमें मिला देना है डायगनली। जो हमारा 1 इंच पे लगा था उसको 1 इंच वाले पॉइंट से मिलाएंगे और जो 1.5 पे लगा था उसको 1.5 इंच वाले से मिलाएंगे। ये देखिए, हमने चारों मिला दिए हैं। अब इनको भी फोल्ड कर लेते हैं। जो हमारा 1.5 वाला मार्क था, लाइन थी, क्रीज थी, उसको हम इस साइड पर फोल्ड करेंगे, अंदर वाली साइड। और जो हमारा 1 इंच वाला फोल्ड था उसको हम बाहर वाली साइड फोल्ड करेंगे।
ये देखिए पीछे से कितना सुंदर नज़र आ रहा है बॉक्स ये। अब हमें इस थर्ड फ्लैप को भी उतना ही काटना है जितने हमने वो दोनों फ्लैप काटे थे। ये ना सोचिएगा कि इस पे मार्किंग है तो हम कैसे काटें, इसको काट दीजिएगा। ये देखिए अब हम इन चारों को डेकोरेट कर लेते हैं। आप किसी तरह मर्जी डेकोरेट करिएगा, मैंने ये पैटर्न पेपर काट के इसको चिपका दिया है इसके ऊपर। आप अपने खुद के पैटर्न पेपर बनाइए फिर उनसे इनको डेकोरेट करिए। ये मेरे पास एक मैरिज इनविटेशन कार्ड था, उसका मैंने काट के पैटर्न पेपर रेडी कर लिया। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। चलिए बॉक्स को शेप दे देते हैं, इसको हम यहाँ से जोड़ देते हैं। इस वाली टैब पे हम ग्लू लगाएंगे और इस तरह से इसको मोड़ते हुए इसको आपस में प्रेस करके जोड़ लेंगे। ये देखिए हमारा बॉक्स बन गया है। अब बॉक्स को ये बंद करेंगे। यहाँ से बंद करने के लिए हम थोड़ा थोड़ा इसका किनारा काट के ऊपर से गोल कर देंगे ताकि इसको बंद करने और खोलने में आसानी हो। और एक बनाएंगे हम यहाँ फिंगर टैब। फिंगर टैप बनाना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हम जब बॉक्स को खोलते हैं तो वो किसी भी तरह का प्रेशर हाथों का झेल के ख़राब ना हो सके। फिंगर टैप होगा तो हम वहाँ से इजीली उसको इस तरह से पकड़ के खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। अब ये दूसरी वाली साइड पे हमारा जो हमने फोल्ड किए थे इनको अरेंज करेंगे और इस तरह से इसको पेस्ट कर देंगे। इस तरह से इन तीनों साइड्स पे हम ग्लू लगा लेंगे और इसको सफाई का ध्यान रखते हुए इसको अच्छे से चिपका देंगे ताकि वो कहीं भी बाहर हमारा कोई भी पार्ट बाहर शो ना हो। ये देखिए चलिए इसको जल्दी से बांध लेते हैं एक सुंदर से रिबन के साथ। इसमें आप अपनी फ्रेंड्स को चॉकलेट्स, कोई हैंडमेड ज्वेलरी, कुछ भी गिफ्ट कर सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया बन गया है। तो लॉकडाउन में आप इसे ज़रूर बनाइएगा ताकि लॉकडाउन खुलते ही आप अपने फ्रेंड्स के साथ अपने गिफ्ट एक्सचेंज कर सकें। तो फ्रेंड्स आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा एंड गिव मी अ बिग थम्स अप। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।